कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में 104 सीटों पर विजय हासिल कर भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई है। वहीं कांग्रेस के 78 उम्मीदवार विजयी रहे और जेडीएस ने 37 सीटों पर कब्जा करने से दोनों ही दलों को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करने दिया। इसके चलते दोनों ही दल जेडीएस के सहारे सरकार बनाने की जोड़ तोड़ में लगे हैं। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों में से 222 पर चुनाव हुए जिसमें पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिल पाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। येदियुरप्पा ने बहुमत साबित करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। येदियुरप्पा के बाद कुमार स्वामी ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मिलने से पहले येदियुरप्पा ने कहा कि 100% बीजेपी ही सरकार बनाएगी। बीएस येदियुरप्पा ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक की जनता ने 12 मई को विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा समर्थन दिया है। येदियुरप्पा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक के लोगों ने भाजपा को एक बड़ा समर्थन दिया है। सभी 222 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित होने के बाद हमारे पार्टी के नेता अगले कदम पर फैसला करेंगे। पार्टी को 112 सीटों का जादुई आंकड़ा छूने के लिए 8 सीटों की दरकार है। येदियुरप्पा ने कहा कि लोगों ने कांग्रेस मुक्त कर्नाटक करने के लिए मतदान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के फैसले के खिलाफ सत्ता पाना चाहती है।